हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, जहाँ भी होगी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आर्ट एंड कल्चर को। ये लेक्चर नंबर 2 है हमारा। जिन लोगों ने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा वो लोग जाकर के देख सकते हैं बाद में। वहां पर हम लोगों ने सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया था, आप लोगों को सिलेबस समझाए थे और आपको बताए थे कौन कौन से टॉपिक हम लोगों को आर्ट एंड कल्चर में पढ़ने होते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, उन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कशन किए थे। यहाँ से आपका आर्ट एंड कल्चर है वो रियल आप लोगों का स्टार्ट होने वाला है, जिसे हिंदी में बोलते हैं कला एवं संस्कृति। ये देखिए, हम आईएएस और पीसीएस के लिए यहाँ पर पीटी और मेंस दोनों के लिए प्रिपेयर करा रहे हैं। ये केवल पीटी के लिए नहीं है, ओके। पीटी और मेंस तो यानी कि यहाँ पर आपकी मेंस की आंसर राइटिंग भी कराई जाएगी। आज भी आपको 3 क्वेश्चन लिखने के लिए दिए जाएंगे। और देखिए, 9 बजे आप लोगों की एसके सर के द्वारा क्लास ली जाती है हिस्ट्री की, लेकिन आज किसी कारणवश एसके सर क्लास नहीं लेंगे, तो हमने सोचा आप लोगों को आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस प्रोवाइड करा दें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जिस दिन क्लास नहीं होती है परेशान हो जाते हैं। खासकर हमारी जो राधा मैम है, काफी डेडिकेटेड स्टूडेंट है, वो जब भी क्लास नहीं होती है तो मैसेज करती है कि सर आज क्लास नहीं होगी। तो हमने सोचा आपकी मैसेज करने से पहले ही हम यहाँ पर आप लोगों के लिए क्लास प्रोवाइड करा देते हैं, जिससे हमारी राधा मैम है वो परेशान ना हो। और किसी को भी परेशान होना नहीं है, हम सभी लोगों को ध्यान में रखते हैं सभी चीजों के बारे में, ओके। देखिए, किसी कारणवश कभी क्लास नहीं हो पाती है तो उसे आप लोग समझ सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होगी, तभी आप लोगों के लिए क्लासेस नहीं मिल पाती होगी। तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है आप लोगों के लिए। देखिए, हम इतने ज्यादा डेडिकेटेड हैं तो आप लोगों का भी सपोर्ट बनता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है यहाँ पर। हम यहाँ पर 3 बैचेस, एक यूपीएससी का, एक बिहार पीसीएस और एक यूपी पीसीएस का बैच लेकर के आ रहे हैं आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका जो लिंक है वो आपको ऊपर आई बटन में, साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। जाकर के वो वीडियो देख लीजिए जिसमें हमने विस्तार में बताया इस प्रोग्राम के बारे में। वहां पर जाकर के आपको एक फॉर्म फिल करना है, जिससे आपको एक्स्ट्रा फैसिलिटी भी मिल सके। ये जो प्रोग्राम है, ये पीटी और मेंस दोनों के लिए एक 1 ईयर तक एक सारे प्रोग्राम है वो चलने वाले हैं, और यहाँ पर आपको पूरा का पूरा प्रिपेयर कराया जाएगा। तो आप लोग इससे ज्वाइन हो सकते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यहाँ ये जो प्रोग्राम है, हमारी पूरी टीम के द्वारा आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर कराया जाएगा। देखिए, 10,000 का हमारा टारगेट है, ये तो आप लोग अब चुटकियों में पूरा कर देंगे, आप लोग जानते हैं। देखिए, हमारे सब्सक्राइबर कितनी तेजी से आप लोगों ने बढ़ाए हैं, अपने क्लब को इतना प्यार दिया, अपनी फैमिली को इतना बढ़ाया है, इसी तरह से अपने दोस्तों में भी आप शेयर करने का थोड़ा सा कष्ट की थी, और अपने दोस्तों को भी बताइए हमारे चैनल के बारे में, ओके। देखिए, जो यहाँ पर बहुत सारे मैराथन, महा मैराथन क्लासेस लेने के हम आपके लिए लाने वाले थे, इनमें से 3 क्लासेस आपको प्रोवाइड करा दी गई है, 3 क्लासेस और भी आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। और देखिए, ये जो एक्स्ट्रा क्लासेस हैं जो आप लोग जाकर के देखना चाहते हैं, ये जाकर के देख सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आर्ट एंड कल्चर को, जो कि काफी महत्वपूर्ण क्लासेस हैं यहाँ पर। तो देखिए, आज हम लोग देखेंगे एकदम स्टार्टिंग से, सबसे पहले हम लोग देखते हैं संस्कृति क्या होती है। भारतीय विरासत हमको पढ़ना है, इसमें संस्कृति के बारे में हमको पढ़ना है, तो पहले समझ लेते हैं आखिर संस्कृति क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो देखिए, संस्कृति जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शुद्ध किया हुआ या फिर परिष्कृत किया हुआ, ओके। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, शुद्ध किया हुआ या फिर परिष्कृत किया हुआ। आप लोगों के लिए नोट भी करना है, ओके, कॉपी पेन लेकर के आप लोगों को बैठना है। तो इसका मतलब होता है शुद्ध किया हुआ, ओके, यानी कि एक तरह से क्या, परिष्कृत किया हुआ। और संस्कृत, जो संस्कृति होती है, इसी के लिए इंग्लिश में बोलते हैं कल्चर। और कल्चर जिस शब्द से निकला है वो है कल्टीवेशन, क्या है, कल्टीवेशन। तो देखिए, कल्टीवेशन शब्द से कल्चर निकला है, और देखिए इसका अर्थ आपको देखने को मिलेगा कृषि एवं पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन इसका अर्थ होता है, ओके। तो देखिए, एक संस्कृति किसे कहते हैं, संस्कृति का निर्माण होता है वो सामूहिक योगदान से होता है। जैसे हम जो बोल रहे हैं, जो हम पहने हुए हैं, जिस तरह का हमने हेयर स्टाइल रखा है, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं आपसे, जैसा हम आपके साथ में व्यवहार कर रहे हैं, ये सब क्या है, ये सब संस्कृति का ही एक पार्ट है। जैसे हम डांस करते हैं, गाना गाते हैं, कुछ लिखते हैं, ये सब क्या है, संस्कृति है। लेकिन संस्कृति क्या है, जब हमने प्रारंभ में किसी चीज को सीखा होगा, उसका जो मॉडिफाइड रूप होता है, यानी कि उसका जो परिष्कृत रूप होता है, शुद्ध रूप होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, संस्कृति। जैसे आपको एक एग्जांपल, जब हम क्या होंगे, उलू उलू करते होंगे, मतलब हम, हमारे जो पूर्वज होंगे वो आदिवासी होंगे पहले। तो देखिए, जब हम आदिवासी होंगे तो आदिवासी ने कभी गिट्टी विट्टी कुछ भी उठाई होगी, तो उसने ऐसे थोड़ा सा लाइनें खींचना सीखा होगा, जिसको हम बचपन में कहते हैं चिंगना करना, ओके, इस तरह से लाइनें खींचना कुछ सीखा होगा। लेकिन हल्के हल्के ये मॉडिफाइड रूप आ गया लिपि के रूप में, यानी कि लिपि के रूप में हम जो लिखते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, लिपि। जैसे मैं आपसे बोलूंगा क्या लिखा हुआ, तो आप पढ़ सकते हैं ये क्या लिखा हुआ है, संस्कृति, यानी कि ये क्या हो गई, एक लिपि हो गई। यानी कि प्रारंभ में हमने क्या किया,
ऐसे सिर्फ ऐसे चिंगना खींचना सीखा और अब हम एक लिखने लगे और अब हमारे पास एक लिपि आ गई, तो ये क्या हो गया, संस्कृति हो गई। ऐसे ही पहले हम हुलु लुलु सिर्फ करते होंगे, अब हम स्पष्ट भाषा बोलने लगे, तो स्पष्ट भाषा बोलना क्या हो गई, ये हमारी संस्कृति हो गई। ओके, तो इसी तरह से संस्कृति क्या है, शुद्ध रूप है। पहले क्या करते थे हम, ऐसे सिर्फ लिखना हल्का फुल्का, ऐसे लाइनें खींचना सीखे, लेकिन अब लिखने लगे। पहले हम पेंटिंग नहीं बना पाते थे, ऐसे ऐसे कुछ करते थे, लेकिन अब क्या है, खूबसूरत सी ऐसी पेंटिंग बना देते हैं। आप कहेंगे सर ये कौन सी खूबसूरत सी है, हमारे लिए यही खूबसूरत है। तो अब हम खूबसूरत सी पेंटिंग बनाने लगे, तो आर्ट, पेंटिंग, डांस, ये सब क्या है, कला यानी कि संस्कृति का हिस्सा है। ये क्या है, इसका शुद्ध रूप है, इसीलिए हम बोलते हैं संस्कृति को क्या है, जो शुद्ध रूप होता है उसी को हम संस्कृति बोलते हैं। लेकिन कोई ना कोई परिभाषा तो होनी चाहिए। तो देखिए संस्कृति की परिभाषा है, वो बहुत सारी परिभाषाएं दी जाती हैं और बहुत सारे विद्वानों में मतभेद भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन एक सटीक परिभाषा भी तो हमें देखना होगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं जो यूनेस्को के द्वारा एक परिभाषा दी गई है इसके बारे में। तो देखिए मानव के, थोड़ा सा यहाँ पर ठीक कर लेते हैं जिससे आप लोगों को अच्छे से दिख पाए, मानव के भौतिक उपलब्धियों का प्रकटीकरण ही क्या है, संस्कृति है। यानी कि मानव की जो भौतिक उपलब्धियां हैं उन्हीं का जो प्रकटीकरण है उसी को हम क्या बोलते हैं, कल्चर बोलते हैं। आखिर ये भौतिक उपलब्धियों से क्या तात्पर्य है, भौतिक उपलब्धियों से तात्पर्य है जैसे हम जो नृत्य संगीत करते हैं, कला, धर्म, दर्शन, विज्ञान, भाषा, साहित्य, परंपराएं, विश्वास, मानवीय मूल्य, जीवन शैली, ये सब कुछ जो आता है वो भौतिक उपलब्धियों के अंतर्गत आता है। ये भौतिक उपलब्धियां हैं जो हमारे पूर्वज के द्वारा हल्के हल्के इनको विकसित किया गया और अब वर्तमान में हम इनका उपयोग कर रहे हैं। जैसे जो आज हम स्पष्ट भाषा बोल रहे हैं, जैसे मैं अभी हिंदी बोल रहा हूँ, तो हिंदी जो मैं भाषा बोल रहा हूँ ये मुझे कहाँ से मिली है, अपने पूर्वजों से मिली है। ये हमारे पूर्वजों की क्या है, भौतिक उपलब्धि है। क्या है, भौतिक उपलब्धि है। इसी तरह से हम लिखना सीखे हैं, मैंने तो कोई ऐसी ऐसी लिपि का तो विकास किया नहीं है जो इस दुनिया में पहले से विद्वान नहीं थी। मैंने क्या अपने पूर्वजों से, अपने अपने जो समाज है उन्हीं से, लोगों से तो सीखा है। तो ये क्या है, हमारे पूर्वज, हमारे लोगों, हमारे समाज की भौतिक उपलब्धियां आपको देखने को मिलेंगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, संस्कृति बोलते हैं। और कोई रॉकेट साइंस वाली चीज नहीं होगी, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये सारी चीजें, हमारा खान पान, रहन सहन, सब कुछ क्या आता है, संस्कृति के अंतर्गत आता है। चलिए हम लोग एक बार देखते हैं विशेषताओं के बारे में, थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि संस्कृति की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो संस्कृति एक सामाजिक संकल्पना देखने को मिलेगी। सामाजिक संकल्पना क्यों, क्योंकि संस्कृति का विकास है वो सामूहिक योगदान से होता है। एक व्यक्ति के योगदान से संस्कृति का विकास नहीं होता है, बल्कि पूरे समूह, पूरे समाज के द्वारा संस्कृति का विकास किया जाता है। तो देखिए इसका निर्माण मनुष्य के सामूहिक योगदान से होता है, नंबर वन बात। हो सकता है पीटी में ऑप्शन के रूप में भी दिया जा सकता है, ना कि मेंस के लिए, तो आप लोग ध्यान रखना है पीटी मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो संस्कृति क्या है, एक सामाजिक संकल्पना है, और आपको देखने को मिलेगा कि इसमें इसका जो निर्माण होता है वो मनुष्य के सामूहिक योगदान से होता है। देखिए इसमें आपको देखने को मिलेगा कि भिन्न भिन्न संस्कृतियों में अपने परिवेश एवं सामाजिक नियमों को लेकर भिन्नताएं होती हैं। जैसे भिन्न भिन्न संस्कृतियां होती हैं उनमें भिन्नताएं देखने को मिलेंगी। जैसे यूरोप की संस्कृति अलग हो सकती है, हमारी अलग हो सकती है, दक्षिण भारत की अलग हो सकती है, उत्तर भारत की अलग हो सकती है, नॉर्थ ईस्ट की अलग हो सकती है, जापानियों की अलग हो सकती है, चीनियों की अलग हो सकती है। यानी कि अलग अलग परिवेश में जाएंगे तो संस्कृतियों में आपको अंतर देखने को मिलेगा। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया रखा है कि यूरोप में जब मेघ गरजते हैं और बिजली कड़कती है तो इसको अशुभ माना जाता है, लेकिन वहीं भारत में जब बिजली कड़कती है, बारिश होती है, तो उसे कल्याण का सूचक माना जाता है, सौभाग्य का सूचक माना जाता है। हम लोग बारिश कराने के लिए इंद्र देवता को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, और इंद्र देवता को हम क्या करते हैं, खुश करते हैं। इसी तरह से एक और आपको एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यूरोप में जो बिल्लियां होती हैं, बिल्ली जो म्यो म्यो करती है, ओके, बिल्लियां होती हैं वो शुभ का सूचक मानी जाती है, बहुत ही शुभ मानी जाती है। लेकिन भारत में बिल्ली अगर रास्ता काट जाए तो हम कहते हैं अरे पहले उस पप्पू को निकल जाने दो, वरना हमारा काम क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो बिल्ली रास्ता काट लेती है या फिर बिल्ली दिख जाती है तो हम उसको क्या मानते हैं, अशुभ मानते हैं। लेकिन यूरोप में, वहीं पश्चिमी देशों में बिल्लियों को शुभ माना जाता है। तो देखिए अलग अलग परिवेश में अलग अलग चीजें हैं वो आपको देखने को इस तरह से मिलेंगी। इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा
कि जो संस्कृतियां होती हैं वो तृप्तिदायक होती हैं, इनका व्यवहार में पालन करने से हमें आनंद का अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है। जैसे कि आप पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, या फिर आप जाते हैं अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, पैर छूते हैं, तो आपको क्या मिलता है? आपको आनंद की अनुभूति होती है। आप अपनी कल्चर को लेकर के आप क्या गर्व महसूस करते हैं, आप अगर उसका पालन करते हैं, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। जैसे अब हम क्या करते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं जब, तो एकदम लगता है, एकदम वीआईपी वाली फीलिंग आती है। तो जब हम अपनी जो संस्कृतियां होती हैं, जब उनका हम पालन करते हैं, तो हमें क्या लगता है? अच्छा लगता है। आनंद की हमको प्राप्ति होती है। जैसे हम जाते हैं, हम गरबा करते हैं, डांस करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा संस्कृतियों में मूल्य निहित होते हैं, यानी कि इसमें वैल्यू होती है, और इसमें सही और गलत की पहचान की जाती है, और सही के चयन की वकालत की जाती है। यानी कि संस्कृतियां हैं वो बताती हैं क्या सही है क्या गलत है, और सही के चयन की वकालत की जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहा जाता है कि जीव हत्या पाप है। जैसे कि हमारे धर्म में बोला जाता है कि जीव हत्या पाप है, जीवों को सताना नहीं चाहिए। यानी कि ये बता रहे हैं कौन से मूल्य हैं और क्या सही है क्या गलत है, आपको क्या नहीं करना है और किसका चयन करना है, ये चीज संस्कृतियां बताती हैं। जैसे कि आपको आपने देखा होगा कि जैसे कहा जाता है कि स्त्री और पुरुष है उसको साथ में रहना है तो पहले विवाह करना चाहिए। हमारे खासकर भारत में हिंदू धर्म में ये कहा जाता है कि विवाह के बिना स्त्री और पुरुष को साथ में जीवन यापन नहीं करना चाहिए, पहले विवाह करना चाहिए। ये सामाजिक परंपरा है। ये चीज आपको देखने को मिलेगी, यानी कि स्त्री पुरुष हैं वो साथ में रह सकते हैं लेकिन विवाह कर करके, लेकिन अब कानून के अनुसार ऐसे भी रह सकते हैं, लिविंग सिग में कोई समस्या वाली बात नहीं है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा संस्कृति है वो वंशानुगत नहीं होती, मतलब आप पप्पू पैदा हो गया तो पप्पू के अंदर किसी भी प्रकार की संस्कृति नहीं होगी। उसको नहीं पता है कि हमें पगड़ी पहनना चाहिए या फिर दाढ़ी बढ़ाना चाहिए या फिर हमको किस प्रकार की भाषा बोलनी चाहिए, हमको उर्दू बोलना चाहिए, हिंदी बोलना चाहिए, संस्कृत बोलना चाहिए, अंग्रेजी बोलना चाहिए, जर्मनी बोलना चाहिए, उसको कुछ भी नहीं पता। यानी कि जो संस्कृति होती है वो अनुवांशिक नहीं होती है, वो बाहर से सीखी जाती है, अपने लोगों से सीखी जाती है, मतलब अपने परिवार से सीखी जाती है, अपने मित्रों से सीखी जाती है, अपने समाज से सीखी जाती है, अपने राष्ट्र से सीखी जाती है, ये दूसरे लोगों से सीखी जाती है। यानी कि ये बाहर से सीखी जाती है संस्कृति, और ये हस्तांतरणीय भी होती है। हस्तांतरणीय का मतलब हमने बहुत सी चीजें अपने पूर्वजों से सीखी हैं, बहुत सी चीजें हैं वो हमने अपने माता पिता से सीखी हैं, तो क्या किया गया है, उनका हस्तांतरण किया गया है, ट्रांसफर किया गया है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के लिए हम बात करें, आज जिस प्रकार के हम कपड़े पहनते हैं वो हमारे पूर्वज पहनते थे, उन्हीं से हम लोगों ने सीखा। जिस प्रकार का हम दाल चावल चोखा बनाते हैं, बाटी चोखा बनाते हैं, ये हमारे पूर्वज बनाते थे, आज हम बाटी चोखा दाल भात बना करके खाते हैं। और इसी तरह से आपको देखने को मिलेगी संस्कृतियां हैं वो व्यक्ति, समाज, समूह और राष्ट्र है, इनकी पहचान कराती हैं। तो जैसे कि आप देख करके ही बता सकते हैं कि ये कौन से राष्ट्र से, कौन से देश से, कौन से प्रदेश से ये बिलोंग करता होगा। जैसे कि ये फोटो है तो आप लोग थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं, अच्छा ये यूरोपियन कंट्री के आपको देखने को मिलेंगे। यूरोपियन कंट्री या फिर पश्चिमी जो देश हैं उन्हीं में से कोई व्यक्ति है, अंग्रेजों में से लगता है कुछ है। इसी तरह से आप इस फोटो को देखें तो कह देंगे अच्छा ये भारतीय से बिलोंग करते हैं, वैसे तो आप इन सभी लोगों के लिए जानते होंगे, और ऐसे ही आप इधर देखेंगे तो इनको कौन नहीं जानता भाई, इनके बारे में हमें बताने की अभी आवश्यकता नहीं है। तो देखिए ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इसी तरह से संस्कृति का जो निर्माण एवं विकास है ये कैसे होता है, तो संस्कृति का निर्माण एवं विकास है वो व्यक्तिगत स्तर पर, सामूहिक स्तर पर और समाज के स्तर पर, राष्ट्र के स्तर पर, हर स्तर पर संस्कृति का विकास होता है। इसमें सामूहिक योगदान की आवश्यकता होती है, यानी पूरा समूह है वो मिलकर के क्या करता है, एक संस्कृति का निर्माण करता है। जैसे भारतीय संस्कृति की जब बात करते हैं तो पूरे राष्ट्र के द्वारा जिस संस्कृति का निर्माण किया गया है उसे हम बोलते हैं भारतीय संस्कृति। तो संस्कृति ये आपको देखने को मिलेगी। आखिर देखिए व्यक्ति, समूह, समुदाय, समाज और राष्ट्र होता है, यहाँ पर एक बीच में हमने छोड़ दिया है समुदाय। तो ये आखिर सब कुछ क्या होता है, चलिए आप लोगों के लिए बता देते हैं। यहाँ पर आप लोगों को नोट डाउन कर लेना, एक नेक्स्ट पेज यहाँ पर ऐड कर देते हैं जिससे आप लोगों के लिए सारी चीजें समझ में आ जाए। जैसे अगर देखिए हम संस्कृति की बात करें, किसकी, अगर हम संस्कृति की बात करें तो इसके अंतर्गत क्या आता है, जैसे कि धर्म, दर्शन, धर्म, दर्शन, संगीत, नृत्य, संगीत, नृत्य, कला एवं संस्कृति,
कला एवं साहित्य, ये सारी चीजें इसमें आती हैं, जैसे कि परंपरा होगी और सारी चीजें आती हैं। लेकिन देखिए इनका विकास कैसे होता है, इसका जो विकास है वो व्यक्तिगत स्तर पर होता है, इसका जो विकास है वो कैसे होता है व्यक्तिगत स्तर पर, ओके। और व्यक्तियों का जो संगठन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, समूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पहला ये हो गया, दूसरा क्या है समूह। समूह किसे कहते हैं, तो व्यक्तियों के संगठन को ही समूह कहते हैं। और देखिए जो समूह होते हैं वो दो प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे, एक प्राथमिक समूह होता है, प्राथमिक समूह होता है, और एक आपको देखने को मिलेगा द्वितीयक समूह होता है, एक आपको देखने को मिलेगा द्वितीयक समूह होता है, ओके। देखिए प्राथमिक समूह के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो प्राथमिक समूह के अंतर्गत जैसे कि हमारे रिश्तेदार हो गए, हमारा परिवार हो गया, ये सब प्राथमिक समूह के अंतर्गत आते हैं, इनसे भी हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। इसके अलावा द्वितीयक समूह के अंतर्गत जैसे कि हमारी टीम हो गई, हमारे मित्र हो गए, ये सारी सारे जो होते हैं वो द्वितीयक समूह के अंतर्गत रखे जाते हैं। इसी के अलावा आपको देखने को मिलेगा, देखिए समूह के बाद आता है, आपको देखने को मिलेगा जो समूह का संगठन होता है उसे हम बोलते हैं समुदाय। क्या बोलते हैं, समुदाय। समुदाय से तात्पर्य क्या, जो समूह का संगठन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, समुदाय बोलते हैं। और देखिए जैसे कि आपने बहुत सारे समुदाय देखे होंगे, जैसे कि किसान हित समूह होता है, महिला हित समूह होता है, ओके, ये सब क्या है समुदाय आपको देखने को मिलेंगे, ओके। जाति के आधार पर जो छात्र संघ होता है वो भी एक तरह का एक समुदाय होता है। इसके बाद में आपको देखने को मिलेगा जो चौथे नंबर पर आता है, समुदायों का जो संगठन होता है उसे हम समाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे हम समाज बोलते हैं। और समाज भी दो तरह का आपको देखने को मिलेगा, या तो वो सम समाज होगा या फिर वो विषम समाज होगा। देखिए सम समाज जैसे कि वहां पर एक प्रकार की ही संस्कृति पाई जाती होगी, जैसे यूरोपियन कंट्री में केवल जर्मन भाषा बोलने वाले जनवरी में जर्मन में रहते होंगे, इसी तरह से फ्रांस, जो फ्रांस भाषा होती है वो बोलने वाले, फ्रांसी भाषा बोलने वाले सिर्फ फ्रांस में रहते हैं, अंग्रेजी भाषा बोलने वाले इंग्लैंड में रहते हैं। मतलब एक तरह की जो संस्कृति होती है वो उसको बोलते हैं सम समाज बोलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ विषम समाज पाया जाता है, विभिन्न प्रकार की भाषाएं, विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज, विभिन्न प्रकार के धर्म, ये सारी चीजें पाई जाती हैं। तो भारत कैसा है, एक विषम समाज आपको देखने को मिलेगा। तो समाज कितने प्रकार का हो सकता है, सम समाज हो सकता है या फिर विषम समाज हो सकता है। और समाजों का जो संगठन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, राष्ट्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राष्ट्र बोलते हैं, यानी कि नेशन बोलते हैं। इसका तात्पर्य क्या हुआ, चलिए आप लोगों को लिखा देते हैं। समूह किसे बोलते हैं, तो जो व्यक्तियों का समूह, व्यक्तियों का जो संगठन होता है, व्यक्तियों का जो संगठन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, समूह बोलते हैं। और इसी तरह से जो समूह का संगठन होता है उसे हम समुदाय बोलते हैं। जो समूह का संगठन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, समुदाय बोलते हैं। और इसी तरह से जो समुदाय का संगठन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, समाज बोलते हैं। जो समुदाय का संगठन होता है उसे हम समाज बोलते हैं। और इसी तरह से जो समाज का संगठन होता है उसे हम राष्ट्र बोलते हैं। समाज के संगठन को हम क्या बोलते हैं, राष्ट्र बोलते हैं, ओके। और इन सभी के सामूहिक योगदान से संस्कृति का विकास होता है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे आते हैं और देखते हैं संस्कृतियों के अध्ययन का महत्व। आखिर हमें संस्कृति का अध्ययन क्यों करना चाहिए, देखिए हमें संस्कृति का अध्ययन क्यों करना चाहिए, इसका महत्व क्या है। तो देखिए संस्कृति के अध्ययन का बहुत सारा आपको महत्व देखने को मिलेगा। इसका जो महत्व है वो व्यक्तिगत स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, सभी स्तरों पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों, तो सबसे पहले हम देखते हैं व्यक्तिगत स्तर पर संस्कृति का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखिए आपको देखने को मिलेगा, अगर हम संस्कृति का अध्ययन करते हैं और संस्कृति से ही संबंधित आपको एक व्यक्ति देखने को मिलेगा, संस्कृति ही निर्धारित करती है व्यक्ति के खान पान को, व्यक्ति के वेशभूषा को, व्यक्ति की जो सोच और आदत है वो सब किससे डिफाइन होती है, सांस्कृतिक परिवेश द्वारा तय की जाती हैं। तो अगर हम संस्कृति को जानते होंगे तो हमें मानव का अध्ययन करना, व्यक्ति का अध्ययन करना
आसान हो जाएगा। ओके, तो संस्कृतियां व्यक्ति का विन्यास और समाजीकरण का कार्य करती हैं, अतः व्यक्तियों को समग्रता में जानने के लिए संस्कृति का अध्ययन करना अपरिहार्य हो जाता है। जैसे कि आप लोग भी यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि जो बीबियां हैं वो करवा चौथ का व्रत रखती हैं, तो करवा चौथ का व्रत रखती हैं भी क्या है, हमारी संस्कृति का ये एक आपको हिस्सा देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर फनी चीज लगाई हुई है, आप लोग देख सकते हैं कि इंग्लिश मूवी का एक नाम बताइए जो करवा चौथ को डिफाइन करती हो एक तरह से। तो देखिए उस जो व्यक्ति कहता है फास्ट एंड फ्यूरियस, एक दिन फास्ट और सभी दिन बीबियां क्या रहती हैं, फ्यूरियस रहती हैं। तो ये मजाक की बात होगी, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से हम सामाजिक दृष्टि से देख लेते हैं कि संस्कृति का क्या महत्व होता है। तो देखिए संस्कृति का निर्माण कैसे होता है, सामाजिक योगदान सामूहिक योगदान से ही तो संस्कृति का निर्माण होता है। तो जिस संस्कृति का निर्माण उस समूह के द्वारा किया गया है, उस समाज के द्वारा किया गया है, तो हमें समाज को जानने के लिए संस्कृति को जानना अनिवार्य हो जाता है। तो अगर हम समाज को अच्छे से सीखना चाहते हैं तो हम संस्कृति का अध्ययन करेंगे तो हम उस समाज के बारे में गहनता से जान सकेंगे। तो देखिए संस्कृति का निर्माण मुख्यतः सामाजिक प्रयासों से ही होता है, संस्कृतियां समाजों को जोड़ने का कार्य भी करती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए अनेक तीज त्योहार मेला उत्सव का विकास हुआ है। प्रत्येक समाज अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संस्कृति के अनेक तत्वों जैसे कि कला धर्म दर्शन विज्ञान साहित्य आचार व्यवहार परंपराएं इत्यादि का निर्माण करता है। अतः समाज को समझने के लिए संस्कृति को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इसी तरह से राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम बात करें तो देखिए संस्कृतियां राष्ट्रीय पहचान का निर्धारण करती हैं, क्योंकि इसका निर्माण राष्ट्र के तहत आने वाले निवासियों के सामूहिक योगदान से ही होता है। तो अगर हम किसी राष्ट्र को जानना चाहते हैं तो हम उसकी संस्कृति को समझ लें तो हम उस राष्ट्र के राष्ट्रीय विन्यास को भी समझ सकते हैं। और जो संस्कृतियां होती हैं वो दो राष्ट्रों को मिलाने का कार्य भी करती हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए आपको बताते हैं, जैसे कि नेपाल हो गया, मालदीप हो गया, इनसे हमारे सांस्कृतिक संबंध भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे श्रीलंका हो गया, जापान हो गया, यहाँ पर बुद्ध धर्म का प्रसार हुआ है, तो बुद्ध धर्म का प्रसार होने के कारण यहाँ पर हमारा सांस्कृतिक लगाव भी देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको भूटान, नेपाल, चीन चले जाइए और आगे फिलीपींस चले जाइए, इंडोनेशिया चले जाइए और जापान चले जाइए। जापान वाले तो भारतीय लोगों के लिए ईश्वर पुत्र के रूप में देखते हैं, क्योंकि वहां पर बुद्ध धर्म है वो बहुत ज्यादा प्रचलित आपको देखने को मिलेगा। तो मानते हैं कि ईश्वर की धरती से हैं। जापानी लोग बहुत ज्यादा पूजा करते हैं, जब हम लोग जाते हैं तो एकदम पैर वैर पड़ जाते हैं और पानी वानी पैर पैर वैर हाथों से अपने धोते हैं, ये चीज आपको देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग एक बार बात करते हैं मास कल्चर की, ये भी क्या है, एक प्रकार की संस्कृति है। मास कल्चर या फिर जिसको पॉपुलर कल्चर भी बोलते हैं, मास कल्चर या फिर जो पॉपुलर कल्चर है आखिर क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए जो पश्चिमी देश हैं उस कल्चर को ही हम मास कल्चर या फिर पॉपुलर कल्चर के नाम से जानते हैं। जिसको इसमें क्या किया जाता है, इसमें बलगड़ चीजों को ज्यादा बड़ा चढ़ा करके एक तरह से दिखाया जाता है। तो देखिए हम इसमें क्या क्या देखेंगे, तो हम लोग इसमें देखेंगे नंबर एक, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। तो देखिए नंबर एक हम इसमें देखेंगे कि मास कल्चर है, इसका आशय क्या है, हम इसके आशय के बारे में बात करेंगे कि इसका अर्थ क्या है, आशय क्या है। इसके अलावा मास कल्चर की विशेषताएं क्या होती हैं, हम इसकी विशेषताओं के बारे में देखेंगे, विशेषताएं या फिर आप लोग बोल सकते हैं इसके लक्षण के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे मास कल्चर की आलोचना, फिर लास्ट में हम लोग इसकी समीक्षा भी करेंगे एवं समीक्षा या फिर आप लोग मूल्यांकन बोल सकते हैं। तो देखिए मास कल्चर क्या है, जो पश्चिमी देशों में आपको देखने को मिलेगा बहुत ज्यादा इस तरह की चीजें, जहां पर नशाखोरी होती है, नशा मसा को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है, ओके, तो इस तरह की जो बलगर चीजें होती है इनको बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है, इसी को बोलते हैं पॉप कल्चर बोलते हैं या मास कल्चर के नाम से जानते हैं। जैसे कि आपको देखने को मिलेगा कि जो पॉपुलर कल्चर या मास कल्चर, जो मास यहाँ पर देखिए कल्चर है, पश्चिमी विश्व की नई संस्कृति है, हाल के दिनों में भारत में इसका प्रचलन आपको बड़ा दिखाई देगा, यानी कि इसका भारत में भी प्रचलन है वो काफी बढ़ रहा है। इसके तहत टीवी कार्यक्रम, थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं जिससे ये मिट जाता है, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, ओके। तो इसके अंतर्गत जैसे कि टीवी कार्यक्रम, जो बलगर गाने होते हैं, ओके, जाने नहीं, यहाँ पर देखिए ये मिसप्रिंट हो गया है गाने, क्योंकि गूगल वॉइस टाइपिंग का उपयोग करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा
मिसप्रिंट हो जाता है। तो बल्गर गाने हो गए, सस्ते उपन्यास हो गए, ये सारी चीजें आती हैं। इसे बताया जाता है जैसे कि ये बहुसंख्यक जो आबादी है उसकी पसंद है, और उसी की पसंद को बता करके इसका प्रचार और प्रसार किया जाता है, जिससे और लोग, आम लोग भी इसको अपनाने के लिए बाध्य हो जाते हैं, उसकी ओर काफी ज्यादा आकर्षित होते हैं। जैसे कि आपको देखने को मिलेगा इधर कुछ पिक लगाए हैं, जैसे कि इधर समझ भी नहीं आता है कि यहाँ पर देखिए इतना ज्यादा फटे फटे कपड़े पहनना, देखिए यहाँ पर समझ में ही नहीं आ रहा है कि भिखारी कौन है और असली असली में व्यक्ति कौन है। देखिए भिखारी, एक्चुअली हम भिखारी का फोटो सर्च किए थे और पता नहीं इमरान खान का फोटो क्यों दे दिया। हमने कहा वैसे भी ये भिखारी से कम नहीं, इसी का फोटो हम लोग लगा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये एक्चुअली हम नहीं लगाए हैं ये फोटो, गूगल पे अभी आप लोग टाइप करेंगे भिखारी का फोटो तो उसमें एकदम पूरी लिस्ट दिखा देता है इमरान खान की, पता नहीं क्यों। तो देखिए यहाँ पर हम छोटे कपड़ों की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि इस प्रकार की। देखिए पहले क्या है, व्यक्ति पूरे एकदम कहीं पर छोटा सा धागा भी निकल जाता था उसके लिए नहीं पहनता था, अब इसमें दिखाया जा रहा है ऐसे फटे फटे कपड़े, लग रहा है कि अब कोई भी पता ही नहीं चलता कि भिखारी कौन है और कोई साधारण व्यक्ति कौन है। तो फटे फटे कपड़े पहनना ये दिखाया जाता है, बड़े लोगों का ये पहनावा है। तो और भी लोग क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, अच्छा हमको भी फटी हुई जींस दीजिए, तो अब फायदा भी हो गया, एक बार जींस ले लो उसको पहनो, खूब पहनो, पहनने के बाद जब वो फट जाए तब भी आप उसको आराम से पहन सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इतनी फटी हुई साड़ी है, इनको बहुत ज्यादा फिर बाद में ट्रोल भी किया गया था। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह की चीजें हैं, ये किसके अंतर्गत आती हैं, ये पॉप कल्चर के अंतर्गत आती हैं। इसमें दिखाया जाता है कि इस तरह की चीजें, चाहे वो भद्दी चीजें हों, चाहे अच्छी चीजें हों, चाहे बेकार चीजें हों, ये दिखाया जाता है कि इन लोगों की ये पसंद है, बहुसंख्यक की ये पसंद है, बड़े लोगों की ये पसंद है, तो और लोग भी, आम लोग भी इसको अपनाने के लिए बाध्य हो जाते हैं, वो जानने और ना जानने में। और देखिए जो भिखारी है आजकल, ये मत कह देना आप कि हमारे पास पैसा नहीं है, ओके हम तो डिजिटल पेमेंट करते हैं, तो अब डिजिटल भिखारी भी आ गए हैं, अब डिजिटल भिखारी आ गए, अब ऑनलाइन पेमेंट भी आप लोग कर सकते हैं। तो ऐसा मत बोलिएगा कि हमारे पास छुट्टा नहीं है, हम तो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं भैया मोदी जी की वजह से, तो हम तुमको भीख नहीं दे पाएंगे, तो अब भिखारियों से थोड़ा संभल के रहिएगा। इसके अलावा देखिए हम जो मास कल्चर है इसकी थोड़ी सी विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए मास कल्चर है, यह एक प्रायोजित संस्कृति आपको देखने को मिलेगी। जो मास कल्चर है ये बड़े बड़े एसी रूम होते हैं, हॉल होते हैं, ऑफिस होते हैं, उनमें बैठ करके जो उद्योगपति होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि हमें व्यक्ति को किस किस चीज का उपभोग कराना है। तो देखिए यह एक प्रायोजित संस्कृति होती है, बड़े बड़े कारपोरेट घराने और मीडिया समूह के द्वारा ये निर्मित की जाती है। ये लोग डिसाइड करते हैं कि अब आपके लिए कौन सा पानी पीना है। अगर हम आपसे पूछें कोई, आप बताइए जो आरओ वाटर है वो आपको बोतल खरीदना है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता होगा, बिस्लेरी, और आपके दिमाग में बहुत ही कम नाम आते होंगे, बिस्लेरी ज्यादा आता होगा। इसी तरह से हम कहें यार चॉकलेट एक लेकर के आओ, तो आपके दिमाग में सबसे पहले मैक्सिमम लोगों के 90% से ज्यादा लोगों के दिमाग में दो ही तीन चॉकलेट का नाम आता होगा, जैसे कि डेयरी मिल्क हो गया, फाइव स्टार हो गया, इसके अलावा नाम नहीं आते होंगे। इसी तरह से अगर हम आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, तो आखिर ऐसा क्या होता है, इनमें क्या होता है कि हमें यही नाम, तो ये क्यों आते हैं, क्योंकि कारपोरेट घराने होते हैं, बड़ी बड़ी मीडिया होती है, बड़े बड़े यहाँ पर लोग वर्क करते हैं, वो डिसाइड करते हैं इस बार आपको कौन सा मोबाइल चलाना है, कौन सा मोबाइल चलाना है, आपको कौन सा मोबाइल खरीदना है, ये वो लोग डिसाइड करते हैं, आप लोग डिसाइड नहीं करते हैं। जैसे ही आप एक बार सर्च करते हैं 20,000 से कम का फोन, आपको वो फोन दिखाए जाते हैं जो वो टाइप करके रखे होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप खरीदना चाहते हैं कोई वीवो का मोबाइल, लेकिन अगर वीवो के मोबाइल से उनका कोई टाइप नहीं है तो वो आपको और मोबाइल दिखाई देंगे, जैसे MI का, Xiaomi का, अलग अलग मोबाइल अलग अलग ब्रांड के आप लोगों को दिखाई जाएंगे, बार बार दिखाई जाएंगे, जब आप सुबह शाम दोपहर हर जगह, आपको हर जगह जहां जाएंगे वहां पर आपको इसी का एड दिखेगा, मोबाइल चलाएंगे सुबह शाम फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम हर जगह आपको वही एड दिखेगा, और वो मोबाइल वो खरीदवाया जाएगा जो आप नहीं खरीदना चाहते थे, जो वो चाहते, अगर वो जो मोबाइल चाहते वही आप चाहते तो आप वही खरीद लेंगे। आप लोगों को ये रियलिटी नहीं लगती होगी, लेकिन हल्के हल्के आप लोग इस चीज को समझ जाएंगे जब आप बड़े होंगे तब, ओके। इसी तरह से आपको क्या खाना है क्या पीना है सब वो डिसाइड करते हैं। पहले जब हमारे यहाँ, जब आपको देखने को मिलेगा तीज त्योहार होते थे, रक्षाबंधन होता था, तो पहले हम क्या देते थे,
हम अपनी बहनों के लिए थोड़े रुपए देते थे और साथ में हम थोड़ी सी मिठाइयाँ देते थे। मिठाइयों में हम क्या देते थे, हमारी जैसे कि घर पर बर्फी बनती थी या फिर हम बाजार से मोतीचूर के लड्डू और जो पेड़ा बेड़ा होता है वो लेकर के आते थे। लेकिन आज क्या है, आज आज जो है चॉकलेट के बिना कुछ भी नहीं होता। माँ का प्यार, बहन का प्यार, गर्लफ्रेंड का प्यार, हर किसी का प्यार है, बिना चॉकलेट के नहीं चल सकता। क्योंकि बड़े कारपोरेट घराने ने ये हमारे दिमाग में डाल दिया है कि चॉकलेट है तो प्यार है वहां पर, चॉकलेट नहीं तो वहां प्यार नहीं। आज गर्लफ्रेंड को अगर आपने एक भी बार चॉकलेट नहीं खिलाई तो वो समझ लीजिए वो आप उनसे प्यार नहीं करते, उनको ऐसा ही लगता होगा। अभी तो क्या है, अभी देखिए इसको और ज्यादा आगे ले जाया जाएगा। अभी देखिए हम हमारे जो गणेश जी हैं, आपको बिलीव नहीं होता तो आने वाले सिर्फ 5 वर्षों के अंदर आप लोग देख लीजिएगा, इस चीज को लिख लीजिएगा, जो हमारे जो गणेश जी हैं उनको हम लोग लड्डू खिलाते हैं। क्या खिलाते हैं, अभी लड्डू खिलाते हैं। उनका फेवरेट चीज क्या है, लड्डू है मोतीचूर का। लेकिन इन 5 वर्षों के अंदर आप लोग देखिएगा कि चॉकलेट को खिलाया जाएगा गणेश जी को। हमारे भगवानों के साथ भी खिलवाड़ किया जाता है यहाँ पर, उनको क्या खिलाया जाएगा, चॉकलेट खिलाया जाएगा। वो चॉकलेट नहीं भैया, मोतीचूर के लड्डू खाते थे, वही चढ़ाए जाते थे, मोदक चढ़ाए जाते थे। लेकिन अब कुछ समय के बाद में चॉकलेट चढ़ाया जाया करेगी। लिख करके रख लीजिए, जब जब तक आपके बच्चे छोटे छोटे 5 साल के होंगे तब तक आप लोग देखिए चॉकलेट चढ़ाई जाएगी भगवान के पास में। ये कौन डिसाइड करता है, बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने डिसाइड करते हैं। और तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। देखिए यह है अधिक से अधिक लोगों को आकर्षित करने के लिए निर्मित की जाती है, जैसे कि अश्लील गाने, भद्दे जो टीवी कार्यक्रम होते हैं इनके माध्यम से इसका प्रचार प्रसार बहुत तेजी से किया जाता है। ओके, इसी तरह से पहले आप नॉर्मल कॉफी चाय पीते थे, लेकिन अब क्या है, कॉफी पहले चाय से आपकी लड डलाई गई कॉफी पर, अब कॉफी पर भी क्या, अब आप नॉर्मल कॉफी नहीं, अब आप स्टारबक की कॉफी पियेंगे। भले ही आपका उतना बजट नहीं है फिर भी आप क्या करेंगे, 250, 300, 400 वाली कॉफी स्टारबक की पियेंगे जाकर के। क्यों, क्योंकि अब इसको बढ़ावा दिया जा रहा है मीडिया के द्वारा, कॉर्पोरेट घराने के द्वारा। तो अब आप जो 35 रुपए की, 45 रुपए की कॉफी आप नॉर्मली पी सकते हैं, लेकिन स्टारबक की आप 250 रुपए की कॉफी जाकर के पियेंगे। ये क्या है, ये उन्होंने हमारी ऐसी मानसिकता बना दी है और बनाया जाएगा हल्के 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 हल्के। तो ये दिखावे में सारी चीजें की जाती है। इसी तरह से इस संस्कृति का प्रचार प्रसार है वो निर्माताओं का वास्तविक उद्देश्य होता है, वो लाभ कमाना होता है। जो बहुत बहुत बड़े पॉपुलर लोग होते हैं, जो स्टार लोग होते हैं, वो उनका उद्देश्य होता है समाज में अच्छी चीजें नहीं फैलाना, बल्कि उनका वास्तविक उद्देश्य होता है लाभ को अर्जित करना। और इसमें मूल्य और आदर्शों का ध्यान नहीं रखा जाता है। जैसे कि आप लोग इधर देख सकते हैं, इधर जो हमारे बॉलीवुड के स्टार हैं वो बिमल पाल मसाला का ऐड करते हैं, केसर केसर में, दाने दाने में केसर का स्वाद, बताइए। ऐसी ऐसी चीजों को प्रोत्साहित कर रहे हैं हमारी चीज में, बल्कि जो स्टार हैं जिन्हें लोग अपने आइडल मानते हैं, इन लोगों को ऐसी चीजों से दूर रहने के लिए बोलना चाहिए, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, आकर के इस चीज का प्रचार कर रहे हैं। तो कितनी दुविधा वाली बात है, ये सब किसका पार्ट है, ये सब मास कल्चर का, मास कल्चर है, पॉपुलर कल्चर है, उसी का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ये आपको समझना पड़ेगा। आज मास कल्चर है वो मास कल्चर को बहुसंख्यक की जो पसंद है वो बतला करके बताया जाता है कि ये जो पसंद है बहुसंख्यक की पसंद है। साथ में फिल्मों के हाउसफुल चलने, संगीत समारोह में अधिक से अधिक लोगों के जुड़ने और कार्यक्रमों की लोकप्रियता से संबंधित बहुत बड़े आंकड़े हैं वो प्रस्तुत किए जाते हैं, जो वास्तव में वास्तविक नहीं होते हैं। ओके, इन्हें चतुराई के साथ में गढ़ा जाता है। आज आज आपके दिमाग में आता है नॉर्मली फोन, आप क्या करेंगे, आप 55 हजार से लेकर के 1,35,000 तक का फोन, iPhone 13 जो आ रहा है वो आप लेने की सोचते हैं। भले ही आप उससे क्या करेंगे, सिर्फ कॉल ही करेंगे। जब एक कॉल ही करना है तो आईफोन क्यों लेना है, आईफोन क्यों लेना चाहते हैं, क्योंकि हम दिखाना चाहते हैं कि और बड़े बड़े लोग हैं वो इसको चला रहे हैं तो हम भी क्या चलाएंगे इसको। भले ही आपके पापा हैं वो हीरो होंडा स्प्लेंडर 55,000-60,000 की गाड़ी से चलते हों, लेकिन आप उनसे उम्मीद करते हैं कि आप 1,35,000 वाला हमें फोन दिलाएं। आप अपने पति से, आप अपने अपने जो बॉयफ्रेंड है या फिर गर्लफ्रेंड है उनसे उम्मीद करते हैं, नहीं गर्लफ्रेंड से तो कोई उम्मीद नहीं करता है इतना कि वो हमको आईफोन दिलाए, गर्लफ्रेंड ही उम्मीद करती है बॉयफ्रेंड से कि वो हमको आईफोन दिलाए, iPhone 12, iPhone 13 है वो दिलाए। आप लोग नॉर्मली एड ही देख लीजिए या फिर वीडियोस ही देख लीजिए, उन्हीं में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो जो बलगर चीजें हैं वो जो प्रोत्साहित की जा रही हैं, ये पश्चिमी देन है, हमारी देन नहीं है। अगर हम इसकी आलोचना की बात करें
तो देखिए यह है एक निम्न कोटि की संस्कृति देखने को मिलेगी, इसमें नैतिकता का बोध नहीं होता है बल्कि दिखावा और बनावट आपको देखने को मिलेगा। जैसे बड़े बड़े पब में जाना, वहां पर सुट्टे लगाना, अफीम, हीरोइन, गांजा, इस तरह की चीजें लेना, ये सब क्या है, इसी का आपको देखने को मिलेगा। और यह है जो ये संस्कृति ये क्षणिक सुख देने वाली होती है, जो समाज के मूल्यों को कमजोर करती है, ये आपको देखने को मिलेगा। और इसी तरह से इस संस्कृति के प्रति अधिकांश व्यक्ति अपने विवेक और रुचि से नहीं जुड़े होते हैं बल्कि इसके आधार पर जुड़े होते हैं, इसके आधार पर जुड़े होते हैं कि बल्कि अनुसरण एवं दिखावे के कारण अपनाने का इसका प्रयास करते हैं जो सही नहीं है। जैसे नॉर्मली अगर हम बात करें तो आप लोग देखेंगे जो बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए आते हैं, स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं, वो बेचारे खुद होते हैं ना, होटल पे तक खाना नहीं खाते, कहते हैं यार सब्जी लेने जाते हैं तो वहां पर 10 रुपए की सब्जी लेते हैं, 2 रुपए की उसमें धनिया और मिर्च, कहते हैं यार फ्री मिल जाए तभी ठीक है, और ऐसे रोटी बना बना करके खाते हैं। ओके, ये सूखी रोटी बेचारे ऐसी बना करके खाते हैं, दाल चावल बाटी चोखा एक ही में बना लेते हैं और उसी को खा लेते हैं, दाल चावल एक ही में बन जाता है विद्यार्थियों के जीवन में। तो लेकिन जब वो जाते हैं अपनी गर्लफ्रेंड के पास में, वैसे वो कोचिंग जाते हैं 3 किलोमीटर पैदल, कहीं उनका बेचारों का 10 रुपए ना लग जाए, लेकिन गर्लफ्रेंड के पास जाते हैं तो उनके लिए वो 100 रुपए की 110 रुपए की चॉकलेट देते हैं, खुद तो 5 रुपए की जाकर के चाय पीते हैं लेकिन गर्लफ्रेंड को जाकर के, और अपने आप 1 रुपए वाली टॉफी खाते हैं, उनको जीवन में कभी वो इतनी महंगी चॉकलेट नहीं खाए होते हैं लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड को 110 रुपए की 115 रुपए की चॉकलेट खिलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऐसा समाज के द्वारा, पॉप कल्चर के द्वारा ये आपकी मानसिकता को इस तरह से बना दिया गया। पहले का क्या होता था, अब क्या होता है, जैसे कि जो व्यक्ति है वो इतना स्ट्रगल करता है, उसके बाद भी जाता है 500-600 रुपए का जाकर के, एक पिज्जा है, दो पिज्जा है, लार्ज पिज्जा ले लो 500 रुपए तक का पड़ता है जाकर के, और 500 रुपए का पिज्जा अपनी गर्लफ्रेंड को जाकर के खिलाता है, लेकिन खुद क्या करता है, जाता है खुद जाता है कहता है 5 रुपए की जो नमकीन बनती है वो नमकीन बना करके खा लेता है बेचारा, जिसको भेलपुरी बोलते हैं क्या बोलते हैं वो खा लेता है जाकर के, लेकिन वो क्या करता है अपनी गर्लफ्रेंड को एक, और पहले का क्या था, पहले बाटी चोखा हेल्दी चीजें खिलाई जाती थी, बाटी चोखा जाते थे 20-25 रुपए में, खुद भी खाते थे, दो सहेलियों को भी खिलाते थे, उनकी गर्लफ्रेंड को भी खिलाते थे, फिर भी पैसा बच जाता था 50 रुपए में से। लेकिन अब क्या है, अब मोबाइल ने और पॉप कल्चर ने ऐसा डिसाइड कर दिया है कि आप गर्लफ्रेंड को प्यार करते हैं, अपनी पत्नी को प्यार करते हैं, अपने बच्चों को प्यार करते हैं, तो आपको पिज्जा खिलाना पड़ेगा, बिना पिज्जा के अब बर्थडे पार्टियां नहीं होती हैं, बिना बिना पिज्जा के अब कोई भी पार्टी नहीं होती है। तो ये चीज अभी तो इसको और आगे ले जाना है, और आगे बढ़ेगा, अभी तो ये स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग फेज में आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्या है, ये हकीकत है। तो चलिए आप लोगों को 3 क्वेश्चन बताते हैं, फिर हम लोग आगे का देखते हैं। तो देखिए, किस प्रकार सभ्यता और संस्कृति एक दूसरे के पूरक हैं। तो अभी संस्कृति के, सभ्यता के बारे में हम लोग अभी देखेंगे, संस्कृति के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता दिए। तो पहला क्वेश्चन है, किस प्रकार सभ्यता और संस्कृति एक दूसरे के पूरक हैं। दूसरा क्वेश्चन है, संस्कृति सभ्यता में अंतर स्पष्ट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, सभ्यताओं का पतन होता है संस्कृति का नहीं, ये आप लोगों के लिए बताना है। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं संस्कृति और थोड़ा सा सभ्यता के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, जो संस्कृति एवं सभ्यता, तो संस्कृति क्या है, तो देखिए जो संस्कृति आपको देखने को मिलेगी, संस्कृति एवं सभ्यता एक दूसरे से संबंधित अवधारणाएं हैं। इन दोनों शब्दों के अर्थ एवं व्यवहार को लेकर विद्वानों के बीच में आम राय नहीं देखने को मिलेगी। कुछ विद्वान हैं वो इन दोनों में अंतर संबंधित बोलते हैं, ये दोनों अंतर संबंधित हैं, इनका उपयोग है, इन दोनों शब्दों का उपयोग है पर्यायवाची के रूप में, पर्यायवाची के रूप में करने पर बल देते हैं। लेकिन वहीं दूसरा ग्रुप है जो विद्वानों का, वो कहता है संस्कृति और कला है वो दूसरे, एक दूसरे से अलग है, लेकिन दोनों ही तरह की जो विचारधाराएं वो कहती हैं कि ये दोनों हैं एक दूसरे से पृथक नहीं है, पूर्णतः पृथक नहीं है, ये एक दूसरे से पूर्णतः पृथक होंगे तो ये महत्वहीन हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, तथा दोनों एक दूसरे के पूरक मानते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि किस तरह से, तो संस्कृति क्या है, तो संस्कृति मानव के विभिन्न विभिन्न वीडियो नहीं यहां पर पीढ़ियों होगा विभिन्न पीढ़ियों तो संस्कृति मानव के विभिन्न पीढ़ियों द्वारा अर्जित एक मानव पूंजी है, जिसके तहत धर्म, दर्शन, चिंतन, विचार, कला, विज्ञान, भाषा, साहित्य, आचार व्यवहार, रीति रिवाज, जीवन शैली इत्यादि आते हैं। ओके, संस्कृतियों के मूल्यों में
मूल में एक आदर्श निहित होता है और संस्कृतियों का निर्माण सतत रूप से होता रहता है, ये आपको देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी ओर अगर हम सभ्यता की बात करें तो सभ्यता संस्कृति का ही एक मानकीकरण है। देखिए जो सभ्यता है वो क्या है, संस्कृति का ही एक मानकीकरण है। मानकीकरण की अवस्था है सांस्कृतिक यात्रा के दौरान मानव द्वारा जब उच्च तकनीकी स्तर और उच्च आर्थिक समृद्धि को प्राप्त कर लिया जाता है, तब उसी अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, सभ्यता का नाम देते हैं। जैसे कि आपको देखने को मिलेगा कि सभ्यता होती है वो सतत नहीं होती है, इसके मूल्यों में गिरावट से इसका पतन हो जाता है। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, तो हड़प्पा सभ्यता एक समय आई, फिर उसका क्या हो गया, पतन हो गया। इसी तरह से मेसोपोटामिया की उस समय सभ्यता थी, उसका भी क्या हो गया, पतन हो गया। तो यानी कि सभ्यताएं आती जाती रहती हैं, लेकिन संस्कृति सतत रूप से चलती है, उसमें गिरावट नहीं आती है। तो देखिए आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये थोड़ा सा हमने यहाँ पर बताया है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो देखिए आपको एक एक डायग्राम के माध्यम से समझाते हैं। जैसे कि संस्कृति है उसका क्या होता है, इस तरह से सतत विकास होता है। संस्कृति का क्या होता है, इस तरह से सतत विकास होता रहता है। ओके, सतत विकास होता रहता है। तो देखिए जो संस्कृति का विकास का क्रम है, इसी विकास के क्रम में जब संस्कृति उस स्तर पर पहुंच जाती है, उस स्तर पर पहुंच जाती है जहां पर उच्च तकनीकी और उच्च आर्थिक समृद्धि मानव के द्वारा अर्जित कर ली जाती है, तब इसी अवस्था को हम क्या बोल देते हैं, सभ्यता बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, सभ्यता बोल देते हैं। तो ये चीज आप लोगों के लिए देखने को मिलेगी। तो इस तरह से संस्कृति और सभ्यता एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी नहीं है। तो चलिए हम लोग एक बार अंतर देख लेते हैं कि संस्कृति और सभ्यता में क्या क्या अंतर होता है। तो देखिए आपको देखने को मिलेगा जो संस्कृति है, संस्कृति के तत्वों को मापा नहीं जा सकता। ये बहुत मोटा हो गया, एक सेकेंड थोड़ा सा इसको पतला कर रहता है। तो देखिए जो संस्कृति के तत्वों को मापा नहीं जा सकता, जैसे कि हम ये नहीं बोल सकते कि हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, इन भाषाओं में कौन सी भाषा श्रेष्ठ है। सभी भाषाएं अपने अपने स्तर पर श्रेष्ठ हैं, कोई भी कोई किसी से कम और कोई किसी से ज्यादा नहीं है। इसी तरह से हम दो कवियों के अंतर हम तुलना नहीं कर सकते कि कौन सा कवि है वो श्रेष्ठ है। जैसे कि एक तरफ तुलसीदास, दूसरी तरफ कबीरदास, हम दोनों में कबीरदास तुलसीदास में ये नहीं कह सकते कौन श्रेष्ठ है कौन श्रेष्ठ नहीं है इन दोनों में। तो हम इनमें आपस में तुलना नहीं कर सकते। जैसे दो कविताएं हैं, हम दो कविताओं की तुलना नहीं कर सकते। दोनों के अपने अपने मूल्य होते हैं, अपना अपना अर्थ होता है। तो ये चीज आपको देखें, तो संस्कृति के जो बिंदु होते हैं उनमें हम तुलना नहीं कर सकते, उनको मापा नहीं जा सकता। ऐसा नहीं कह सकते ये 200 ग्राम, 300 ग्राम या 200 अंक, 300 अंक, मतलब सटीक हम इसको माप नहीं सकते। वही सभ्यता है तो सभ्यता के तत्वों को मापा जा सकता है। जैसे हम कह सकते हैं कि साइकिल बेहतर है मोटरसाइकिल से, कार बेहतर है हवाई जहाज से, कि नोकिया 1208 है एंड्रॉइड से ज्यादा बेहतर है, एंड्रॉइड से ज्यादा बेहतर कंप्यूटर है। तो इस तरह से हम सारी चीजें कह सकते हैं। जैसे बल्ब है वो बेहतर है ट्यूबलाइट से, और ट्यूबलाइट बेहतर है एलईडी बल्ब से। ओके, तो इस तरह से हम कह सकते हैं। तो एलईडी बल्ब क्या है, सबसे ज्यादा बेहतर आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह पंखा है, पंखे से बेहतर है कूलर, और कूलर से बेहतर है एसी। इस तरह से हम कह सकते हैं। तो सभ्यता के तत्वों को मापा जा सकता है, लेकिन संस्कृति के तत्वों को नहीं मापा जा सकता। चलिए अगला हम देखते हैं, ये आपको देखने को मिलेगा संस्कृति के तत्व। इसकी पीडीएफ आप लोगों को पूरी मिल जाएगी, इसी वीडियो के कमेंट में आप लोग कमेंट कर दीजिए, आप लोगों को सेंड कर दी जाएगी। ओके, इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा संस्कृति के तत्वों को मूल रूप से बिना किसी परिवर्तन के ग्रहण नहीं किया जा सकता। जैसे जब हम किसी अपने पूर्वज या फिर समाज में हल्के हल्के जब किसी चीज को ग्रहण करते हैं, संस्कृति के तत्वों को ग्रहण करते हैं, तो उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, मॉडिफिकेशन हो जाता है। वो परंपराएं होती हैं, जो भाषाएं होती हैं, जो कलाकृतियां होती हैं, हल्के हल्के जो सारे तत्व होते हैं उनमें हो सकता है धीरे धीरे परिवर्तन आ जाए समय के साथ में। जैसे पहले हम अपनी जो मॉम होती थी उनके लिए क्या बोलते थे, अम्मा बोलते थे। पहले मम्मी को क्या बोला जाता था, अम्मा बुलाया जाता था। अम्मा से बनी मम्मी, मम्मी से बनी मॉम, और मॉम से हो सकता है आगे समय में जाकर के बन जाए मो, और मो से आगे जाकर के बन जाए एम ही बचे। तो ये आपको क्या देखने को मिलेगा, मॉडिफिकेशन। पहले भी क्या था,
पहले हम माता बोलते थे, अम्मा बोलते थे, मॉडिफिकेशन हल्के हल्के आया, अब क्या आ गया, मॉम आ गया, कहते हैं मॉम डैड, और पॉप्स आ गया, पापा को क्या बना दिया, पॉप्स बना दिया, मतलब गजब बेइज्जती है भाई। अब देखिए हम अपने पापा को पापा जी नहीं, पॉप्स बोलते हैं, मतलब हम लोग अभी भी नहीं बोलते, लेकिन अभी आप लोग देखेंगे थोड़ा सा बोला जाता है एडवांस, वो एडवांस नहीं है भाई, पॉप्स बोलना कोई एडवांस नहीं है, अगर आप पिताजी बोलते हैं आप भी वही है, वे पॉप्स नहीं भैया, पापा ही बोलो, क्यों पॉप्स बना रहे हैं उनको, ओके पोपी पोपी बना देते हो, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आप वहीं दूसरी तरफ देखोगे सभ्यता के जो तत्व होते हैं उन्हें बिना परिवर्तन के ग्रहण किया जा सकता है, जैसे कि आप मोबाइल वैसा ही ले सकते हैं, टीवी वैसे ही ले सकते हैं, कंप्यूटर वैसा ही ले सकते हैं, वो परिवर्तित नहीं होते हैं। लेकिन सांस्कृतिक तत्व जैसे रीति रिवाज परंपराएं हल्के हल्के क्या हो जाती हैं, परिवर्तित हो जाती है, उनमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आ जाता है, जैसे पहले जिस तरह से शादियां होती थी, पहले जिस तरह से त्योहार मनाए जाते थे, कि आज वैसे ही मनाए जाते, नहीं, उनमें थोड़ा सा परिवर्तन आ गया है। इसी तरह से जो संस्कृति एक सतत प्रक्रिया है जिसका हमेशा प्रभाव नहीं प्रवाह होता रहता है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, प्रवाह होता रहता है, लेकिन वही सभ्यता है, ये एक अवस्था है, और अवस्था में अगर उसके मूल्यों में गिरावट आ जाती है तो सभ्यता का पतन हो जाता है। इधर आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। और इसी तरह से जो संस्कृति है उसके मूल्यों एवं आदर्शों का एक आपको प्रतीक देखने को मिलेगा, लेकिन सभ्यता भौतिक एवं तकनीकी का, भौतिक और तकनीकी के प्रगति का एक सूचक आपको देखने को मिलेगी। तो ये बेसिक कुछ डिफरेंस है जो आपको यहाँ पर देखने को मिले। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं संस्कृति एवं सभ्यता में तात्विक दृष्टि से विशेष अंतर नहीं है, ये मूल्यांकन है। ओके, तो संस्कृति एवं सभ्यता में तात्विक दृष्टि से विशेष अंतर नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे से अलग थलग महत्वहीन हैं, और संस्कृत जो सांस्कृतिक यात्रा के दौरान मानव हमेशा बेहतर तकनीकी स्तर, उच्च भौतिक समृद्धि को प्राप्त करने का उद्देश्य संजोए रहता है, सभ्यता के दौरान भौतिक एवं तकनीकी उपलब्धियां प्राप्त होने के बाद भी मानव अपने सांस्कृतिक मूल्यों को भी बनाए रखता है, सांस्कृतिक यात्रा के दौरान यदि सभ्यता को प्राप्त करने का दृष्टिकोण ना हो तो मानव को ऊर्जा एवं प्रेरणा नहीं मिलेगी, सभ्यता का स्तर प्राप्त करने के बाद यदि उसने सांस्कृतिक मूल्यों को छोड़ दिया तो सभ्यता का पतन हो जाता है। ओके, अतः स्पष्ट है दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी नहीं है, यानी कि एक दूसरे के बिना ये क्या है, महत्वहीन अर्थहीन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये छोटा सा मूल्यांकन है जो आपको दे देना है, जैसे कि आप क्या समझते हैं, तो ये आपका लास्ट में मूल्यांकन होगा। देखिए सभ्यता की अगर हम बात कर रहे हैं तो सभ्यता जैसे कि एक हड़प्पा सभ्यता आपको देखने को मिलेगी, तो अगर हम इसकी विशेषताओं महत्व की बात करें तो देखिए हड़प्पा सभ्यताएं जो सिंधु सिंधु नदी थी और इसकी जो सहायक नदियां थी इसी क्षेत्र में यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता आपको देखने को मिलेगी, जैसे ये है हड़प्पा, इधर आपको मेहरगढ़ देखने को मिलेगा, मोहनजोदड़ो देखने को मिलेगा, चंदहुंदड़ो देखने को मिलेगा, लोथल, और इधर राखीगढ़ी, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। बहुत सारी लोकेशन है आप लोगों को हिस्ट्री में एस के सर के द्वारा आप लोगों को पढ़ाई जाएंगी, लास्ट ईयर हम आप लोगों के लिए पढ़ाई से, लेकिन इस बार एस के सर आप लोगों के लिए पढ़ाएंगे। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता है जो 1600 से लेकर के 1900 BC के बीच में आपको देखने को मिलेगी, यह एक क्या थी, एक नगरीय सभ्यता आपको देखने को मिलेगी, नियोजित शहर थे यहाँ पर, यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम बहुत ज्यादा बेहतर देखने को मिलेगा, यहाँ के जो रोड थे वो समकोण पर एक दूसरे को काटते थे, घर थे वहां पर सिक्योरिटी का काफी ध्यान रखा जाता था, गेट के सामने एक दीवार बनाई जाती थी, दो गेट बनाए जाते थे, तो इस तरह की सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो नियोजित शहर प्रणाली आपको देखने को मिलेगी, इसके अलावा आपको बहुसंख्यक संस्कृतियां भी देखने को मिलेंगी, आर्थिक रूप से काफी समृद्ध है, जैसे कि हमने आपको बताया था कि कई देशों के साथ में इनके व्यापार भी होते थे, यहाँ पर बहुत सारे बाट मिले हैं, और जो तोलने वाला जिसको क्या बोलते हैं उसको, तराजू, तराजू भी यहाँ पर मिला था। ओके, तो कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी चीजें मिली, कौन कौन सी मूर्तियां मिली हैं, मोहर मिली हैं, वो सारी चीजें हम आपको पढ़ाए थे, वैज्ञानिक रूप से काफी प्रगतिशील आपको देखने को मिलेगी। ओके, इस तरह से देखिए नगर नियोजन का थोड़ा सा फोटो है। हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, उपभोक्ता संस्कृति के ऊपर आते हैं, उपभोक्ता संस्कृति क्या है, चलिए उपभोक्ता संस्कृति की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा पानी ले लेते हैं, एक्चुअली पढ़ाते पढ़ाते बहुत जल्दी गला सूख जाते हैं। तो देखिए उपभोक्ता संस्कृति के बारे में बताते हैं, उपभोक्ता संस्कृति है, देखिए उपभोग एक अनिवार्य चीज देखने को मिलेगी। ओके,
उपभोग क्या है? एक अनिवार्य आवश्यकता है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं पानी पीना क्या है, पानी पीना आपको देखने को मिलेगा एक अनिवार्य उपभोग है। खाना खाना क्या है, एक अनिवार्य उपभोग है। कपड़े पहनना क्या है, एक अनिवार्य उपभोग है। आपका घर क्या है, एक अनिवार्य उपभोग है। आप कहीं जाते हैं तो आपको ठहरने के लिए आवास चाहिए, वो क्या है, एक अनिवार्य उपभोग है। आपको पीने के लिए कुछ थोड़ा सा पेय पदार्थ चाहिए, वो क्या है, एक अनिवार्य उपभोग है। लेकिन जब उसी का बहुत ज्यादा अत्यधिक मात्रा में उपभोग किया जाने लगता है, विलासितापूर्ण उसका उपभोग किया जाने लगता है, तब उसको बोलते हैं उपभोक्ता संस्कृति। जैसे आपका जब काम पंखे से चल सकता है तो आप एसी लगाते हैं, चलिए आप रूम में एसी लगाते हैं, लेकिन अब आप एसी को अपने बाथरूम में, अपने टॉयलेट में, अपनी कार में, अपने अपने हर जगह एसी लगाते हैं, तो ये क्या आता है, उपभोक्ता संस्कृति के अंतर्गत आता है। आपका एक मोबाइल आपके लिए अनिवार्य हो सकता है, लेकिन अब हर चीज के लिए आपने एक मोबाइल लगा दिया है, आपने अपने फ्रिज के लिए एक मोबाइल डिवाइस लगा दी है, हर चीज के लिए एक अलग अलग मोबाइल डिवाइस लगा दी है, तो वो क्या हो गया, वो उपभोग संस्कृति के अंतर्गत आता है। आपका चाय पीना उपभोग संस्कृति के अंतर्गत नहीं आता, कॉफी पीना उपभोग संस्कृति के अंतर्गत नहीं आता, लेकिन आप जाकर के 5 स्टार में जाकर के जब वो चाय कॉफी पीते हैं, स्टारबक्स में जाकर के कॉफी चाय पीते हैं, तो वो उपभोक्ता संस्कृति के अंतर्गत आता है। जब आप एक कार चलाते हैं तो वो उपभोक्ता संस्कृति के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन जब आप रॉय चलाने की बात करते हैं, फरारी चलाने की बात करते हैं, लग्जरी कार चलाने की बात करते हैं, तो वो उपभोक्ता संस्कृति के अंतर्गत आता है। जब आप कहीं जाते हैं तो आप ठहरते हैं नॉर्मल प्लेस पर, तो वो उपभोक्ता संस्कृति के अंतर्गत नहीं आता है। लेकिन जब आप 5 स्टार 7 स्टार वहां पर आप लोग ठहरते हैं, वहां पर जाकर के विलासितापूर्ण जीवन यापन करते हैं, तो वो आता है उपभोक्ता संस्कृति के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आपको चीजें देखने को मिलेंगी। इसी तरह से देखिए, आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो उपभोक्ता जो संस्कृति है, इसके अंतर्गत उपभोग को काफी ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो देखिए इसमें हम लोग पढ़ेंगे नंबर एक देखिए, हम इसमें पढ़ेंगे कि उपभोक्ता संस्कृति की संकल्पना संकल्पना एवं अर्थ के बारे में। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे उपभोक्ता संस्कृति के कारण के बारे में। इसके अलावा हम पढ़ेंगे इसके प्रभाव क्या पड़ता है, तो प्रभाव में हम देखेंगे नकारात्मक प्रभाव के बारे में हम लोग देखेंगे। इसके अलावा हम लोग देखेंगे सकारात्मक प्रभाव के बारे में देखेंगे, सकारात्मक प्रभाव के बारे में हम लोग देखेंगे, और फिर हम लोग करेंगे इसका मूल्यांकन। मूल्यांकन करेंगे कि उपभोक्ता संस्कृति है वो हमारे समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए सही है या फिर नहीं है, तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो चलिए बन भाई बन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए उपभोक्ता संस्कृति क्या है, तो उपभोक्ता संस्कृति उपभोग जीवन की एक अपरिहार्य आवश्यकता है। जैसे कि हम आप लोगों को बताए थे, हमारे रोजमर्रा के जीवन में खाना, कपड़ा, घर, दवाएं और जो प्रसाधन सामग्रियां इत्यादि उपभोग की श्रेणी में आते हैं, यह सभी समान उपभोग हैं, लेकिन प्राकृतिक एवं स्वाभाविक हैं। लेकिन जब गैर जरूरी एवं आवश्यक वस्तुओं का जब अधिक से अधिक उपभोग किया जाने लगता है, तब इसे उपभोक्तावाद या फिर उपभोक्ता संस्कृति कहा जाता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हर चीज लग्जरी, यहाँ पर बॉस देखिए, गाड़ी देखिए, मोबाइल देखिए, तो सारी चीजें क्या हैं, एकदम लग्जरी से लग्जरी हैं। तो उपभोक्ता संस्कृति के कारणों की हम लोग एक बार बात कर लेते हैं। तो उपभोक्ता संस्कृति मूलतः पश्चिमी संस्कृति है। अरस्तु एवं प्लेटो के काल से ही पश्चिम में उपभोग को काफी बढ़ावा दिया जाता था, काफी महत्व दिया जाता था। वर्तमान में पूरी दुनिया में उपभोक्तावाद का तेजी से प्रचलन बढ़ा है। इसके प्रमुख कारण निम्न है। आखिर उपभोक्तावाद जो संस्कृति है, उपभोग संस्कृति है, इसका इतना ज्यादा प्रचार प्रसार क्यों हो रहा है, लोग इतना आकर्षित क्यों हो रहे हैं, तो इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर हैं। तो चलिए उन फैक्टरों को तलाश करने का प्रयास करते हैं। तो लोगों का ब्रांडीकरण, लोगों की पहचान उनके गुणों से नहीं अब उनके ब्रांड से होती है। अब लोग हैं,
लोगों की पहचान कैसे होगी यार, ये लोग इतना अच्छा है तो वो उसके पास महंगे से महंगा मोबाइल होना चाहिए, मतलब आईफोन टाइप का फोन होना चाहिए, वॉच होनी चाहिए महंगी से महंगी वॉच होनी चाहिए, जूते उसके महंगे होने चाहिए, कार उसकी रॉयल्स रॉयल या फिर फरारी जैसी कार होनी चाहिए, ओके, उसके कपड़े होने चाहिए वो पेंटालून से लाए गए होने चाहिए, तभी क्या है उसकी पहचान होगी। यानी कि अब मनुष्य की पहचान उसके गुणों से नहीं बल्कि उसके ब्रांड से होती है, भले ही वो फटे हुए कपड़े पहना है लेकिन अगर उसके उसके उस पर लोगो लगा हुआ है किसी ब्रांडेड का, तो वो क्या हो जाएगी, बहुत ही वैल्यूबल हो जाएगी। अगर आप किसी दर्जी से, नॉर्मल दर्जी से एक पैंट लेकर के आए, वो छोटा सा उसमें स्क्रैच लगा हुआ है, छोटा सा उसमें फटा हुआ है, तो क्या माना जाएगा, अरे यार वो अच्छा काम नहीं करता है। लेकिन एक बहुत बड़े ब्रांड के अंदर आप जाते हैं और इस प्रकार की पैंट लाते हैं, वो यहाँ पर टाइट और यहाँ पर ढीली, यहाँ पर फटी हुई, इधर पीछे फटी हुई, पूरा पीछे का पचवाड़ा दिख रहा है, तो वो क्या है, ब्रांडेड है, उसकी कीमत 50,000 है, इसीलिए वो क्या है, ब्रांडेड है, उस पर लोगो लगा हुआ है किसी बड़ी कंपनी का, इसीलिए वो क्या है, ब्रांडेड है। ओके, तो ब्रांड से अब लोगों की पहचान की जाती है, मूल्यों से नहीं। और मीडिया की भूमिका भी बहुत आपको देखने को मिलेगी, मीडिया है वो उपभोक्ता बात को बढ़ावा देती है, क्योंकि मीडिया द्वारा विभिन्न प्रकारों के प्रचार माध्यमों द्वारा वस्तुओं के उपभोग के प्रति जादुई आकर्षण पैदा किया जाता है। ओके, इसी तरह से जो कारपोरेट बात का की जो भूमिका है वो भी इसके पीछे काफी आपको देखने को मिलेगी, बड़े बड़े उद्योगपतियों द्वारा, व्यवसायिक घरानों द्वारा, पूंजी निवेश के माध्यम से उपभोक्ता संस्कृति को बढ़ावा दिया जाता है। दुनिया भर में लोगों को क्या कौन सा उपभोग किया जाना है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा एक ऑफिस में बैठ करके निर्धारित किया जाता है कि इस बार आपको अगर सिगरेट भी पीनी है तो वो कौन से ब्रांड की पीनी है, अगर आपको पानी भी पीना है तो कौन से ब्रांड का पीना है, इस बार अगर आपके लिए बाटी चोखा भी खाना है तो वो आपको कौन से रेस्टोरेंट में खाना है, तो ये सब डिसाइड किसके द्वारा किया जाता है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा डिसाइड किया जाता है। और जैसे जैसे डिजिटल मीडिया जितनी ज्यादा तेजी से बढ़ेगी, इसका प्रभाव और तेजी से, इसका इन्फ्लुएंस अभी ग्रामीण क्षेत्रों में, जो सेमी अर्बन क्षेत्र है उनमें इतना प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा, छोटे शहरों में इतना प्रभाव अभी पूंजीपतियों का, मीडिया का इतना नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे ये मीडिया एज आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे इन घरानों का एकदम नेतृत्व हो जाएगा कि आप कौन सी सिम चलाना चाहते हैं, कितने रुपए का रिचार्ज कराना चाहते हैं, अब आप कहाँ घूमना चाहते हैं, अभी आप स्वविवेक से बोलते हैं हम गोवा घूमना चाहते हैं, हम मनाली जाना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, अभी आप डिसाइड करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद जो उद्योगपति होंगे वो डिसाइड करेंगे कि आप गोवा जाएंगे या फिर मुंबई जाएंगे या फिर आप एम्स्टर्डम बुडापेस्ट जाएंगे, कहाँ जाएंगे वो लोग डिसाइड करेंगे। ओके, तो ये आपको देखने को मिलेगा। और आधुनिक समाज में मध्यकालीन जो सामंती मानसिकता है, जो सामंती लोग होते थे वो क्या विलासितापूर्ण जीवन जीते थे, वैसे मानसिकता है वो बढ़ाई जा रही है, जैसे बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना, 5 स्टार 7 स्टार जो बंगले होते हैं वहां पर रहना, ओके, और बड़ा सा बड़ा उपभोग इन सारी चीजों को काफी ज्यादा आकर्षक करता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर ये सारी चीजें देख सकते हैं। ओके, इसी तरह से वैश्वीकरण का भी प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, तो वैश्वीकरण के कारण हम अलग अलग देशों की अलग अलग तरह की संस्कृतियां देखते हैं और फिर हम उसकी ओर आकर्षित होना प्रारंभ हो जाते हैं, जैसे कि पश्चिमी देशों में आपको देखने को मिलेगा। उपभोक्तावाद के अगर हम प्रभाव की बात करें तो इसके प्रभाव काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम नकारात्मक प्रभाव की बात करें तो नंबर 1, इस देखिए उपभोक्तावाद से क्या होता है, अपराधों को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि अब देखिए जो गरीब से गरीब लोग है जिसके पास पैसा नहीं है, अब वो भी चाहता है कि मेरे पास ऐसी चीजें होनी चाहिए, वो चलता है साइकिल से, लेकिन वो भी अब कहता है कि मेरे पास में आईफोन होना चाहिए, मेरे पास में भी एक एसी वाली कार होनी चाहिए, मेरे घर में भी एसी लगा होना चाहिए, मेरे घर में भी बड़ी सी 182 इंच की टीवी लगी होनी चाहिए, मैं भी जाऊं 5 स्टार में जाकर के 10 दिन रुक करके आऊं, तो क्या होता है, अपराधीकरण की प्रवृत्ति बढ़ती है, क्योंकि वो भी जाकर के वैसी चीजें लेना चाहता है लेकिन उसकी उतनी क्षमता नहीं होती है, तो क्षमता से अधिक काम कैसे कर सकते हैं, तो वो अपराध की ओर अग्रसर हो जाते हैं। जब उपभोक्ता संस्कृति बहुत ज्यादा बढ़ती है तो लोग नशाखोरी करना प्रारंभ कर देते हैं, फ्रस्ट्रेशन में हो जाते हैं, तो फ्रस्ट्रेशन नशाखोरी में भी अपराधीकरण को बढ़ावा मिलता है, भ्रष्टाचार है वो भी बढ़ावा मिलता है। अब कोई व्यक्ति वो 30,000 की सैलरी में संतुष्ट नहीं है तो क्या करेगा, भ्रष्टाचार करेगा ज्यादा से ज्यादा, सामाजिक असमानता को और ज्यादा बढ़ावा मिलता है, पर्यावरण संकट को जन्म मिलता है, आवासीय विखंडन और जैव विविधता की क्षति होती है, जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिकी पद चिन्ह है वो भी आपको देखने को मिलेगा। पारिस्थितिकी पद चिन्ह का तात्पर्य क्या है, देखिए पारिस्थितिकी पद चिन्ह का तात्पर्य है, जैसे कि देखिए
जो भी हम उपभोग करते हैं, जो भी हम खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, चलाते हैं, सब कहाँ से मिलता है? भूमि से मिलता है, हमारी पृथ्वी से मिलता है। ये जो फोन है ये भी कहाँ से आया है? एलियन ने ला करके हमको नहीं दिया है। इसके अंदर जो प्लास्टिक पड़ी हुई है, शीशा पड़ा हुआ है, प्लेटिनम पड़ा हुआ है, इसके अंदर जो सिलिकॉन चिप्स पड़ी हुई हैं, A to Z इसके अंदर जो भी चीजें हैं वो कहाँ से आई? हमारी पृथ्वी के अंदर से हमने खनन करके हमने निकाली हैं, और उन्हीं से निकाल करके हमने बहुत सारी चीजों को निर्माण किया है। उन पार्टिकल्स, उन पार्ट्स को असेंबल करके हमने एक डिवाइस बनाई है जिसका नाम है मोबाइल, जिसके अंदर पूरी दुनिया समाई हुई है। ओके, तो कोई भी चीज, ये वॉच है, कोई भी चीज है, हमारे यहाँ तक कि शरीर है, ये भी कहीं ना कहीं पृथ्वी से ही इतना बड़ा हुआ है। अगर आप कहेंगे हमारा जन्म तो माँ के अंदर से हुआ है, लेकिन माँ को खाना कहाँ से मिला है? माँ को खाना इस पृथ्वी से ही मिला है। ओके, उन्होंने क्या कहा खाया है? गेहूं चावल मानते हैं खाया है, गेहूं चावल फल फ्रूट खाए हैं, लेकिन गेहूं चावल फल फ्रूट कहाँ से आया है? गेहूं चावल फल फ्रूट है वो हमारी पृथ्वी से ही आया है। तो पृथ्वी से ही सारे संसाधन, सारे खनिज तत्व, सारी चीजें, सारा भोजन चारा सब कहाँ से आता है? पृथ्वी से ही आता है। तो आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि मानते हैं ये क्या है, हमारी पृथ्वी है। ओके, एक मिनट, ये क्या है, हमारी पृथ्वी है। ओके, और इसी पृथ्वी पर ही जैसे कि सतह है और जलीय सतह है, ये सारी चीजें पाई जाती हैं। ये चीज आपको देखने को मिलेगी, इधर ये लैंड है, इधर आपको इस तरह से बहुत सारे वृक्ष देखने को मिलेंगे। ओके, इस तरह से, और यहाँ पर इस तरह से सारी चीजें हैं, और नीचे भी बहुत सारे संसाधन इस तरह से पाए जाते हैं। यहाँ से ही सब कुछ मिलता है, जैसे कि चारा, भोजन, ईंधन, खनिज, सभी प्रकार का उत्पादन पृथ्वी से मिलता है। लेकिन इसका अगर हम उत्पादन है ये यहाँ से करते हैं, लेकिन एक आखिर बनता कैसे? हम जल का उपभोग करते हैं, वायु का उपभोग करते हैं, भोजन का उपभोग करते हैं, खनिज तत्वों का, ईंधन का उपभोग करते हैं, तो ये कहाँ से आता है? हमारी प्यारी पृथ्वी से आता है। लेकिन पृथ्वी कहाँ से लाती है? तो पृथ्वी के अंदर इसका क्या होता है, उत्पादन होता है, लेकिन उत्पादन का भी क्या होता है, एक रेट होता है। तो ये रेट है, ये रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमारी पृथ्वी के द्वारा इन सभी संसाधनों का निर्माण हो रहा है, लेकिन अगर हम खनन इसका तीव्र गति से करने लगे, हम इसका उपभोग अन्य चीजों का तेजी से करने लगे, तो ये क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। यानी कि उत्पादन के दर में और हमारे उपभोग में एक क्या होना चाहिए, हमारे उपभोग में एक समानता होनी चाहिए। ओके, इस इन दोनों में बड़ा अंतर नहीं होना चाहिए, वरना क्या हो जाएंगे, हमारे संसाधन, हमारी उपभोग करने की चीजें पृथ्वी पर समाप्त हो जाएंगे, जिससे मानव संकट है, मानव जीवन है, वो संकट में पड़ जाएगा। ओके, लेकिन वर्तमान में आपको देखने को मिलेगा, जो उपभोग संस्कृति के कारण पृथ्वी पर जो वर्तमान में रेशियो है, वर्तमान में जो रेशियो है वो आपको देखने को मिलेगा, 1:1.8 है। यानी कि जो एक है, जो आपको एक देखने को मिलेगा, ये क्या है, पृथ्वी के द्वारा उत्पादन के रेट को दर्शाता है, और ये दर्शाता है मानवीय उपभोग के रेट को दर्शाता है, ये मानवीय उपभोग के दर को दर्शाता है। यानी कि उपभोग की दर ज्यादा है, और पृथ्वी के द्वारा इन संसाधनों के निर्माण का जो रेट है वो कम है। यानी कि अगर हम इसी दर से उपभोग करते रहे, तो भविष्य की पीढ़ियों के लिए उपभोग के लिए कोई चीज नहीं रह जाएगी। और इसी के बीच के अंतर को बोलते हैं पद चिन्ह बोलते हैं, या फिर इसको फुटप्रिंट के नाम से जानते हैं, संसाधनों के बीच में फुटप्रिंट, जैसे कार्बन फुटप्रिंट आप लोगों ने सुना होगा, और जैसे ईंधन फुटप्रिंट हो गया, किसी भी चीज में फुटप्रिंट। फुटप्रिंट का मतलब होता है पद चिन्ह, यानी कि उपभोग और निर्माण के दर में जो अंतर होता है उसी को हम बोलते हैं फुटप्रिंट। अगर फुटप्रिंट बढ़ता है तो इससे संकट की समस्या बढ़ जाती है। ओके, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगा। अगर हम सकारात्मक पक्ष की भी बात करें, अगर उपभोक्ता संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है, तो इसके कुछ सकारात्मक पक्ष भी हैं, नकारात्मक तो बहुत ज्यादा घातक है, तो हमको ध्यान में रखते हुए उपभोग करना चाहिए, लेकिन इसके कुछ सकारात्मक पक्ष भी हैं। तो देखिए, अगर उपभोक्ता संस्कृति बढ़ती है, तो इससे उत्पाद, औद्योगिक उत्पादन है वो बढ़ेगा, तो इससे क्या होगी, आर्थिक समृद्धि है उसमें वृद्धि होगी। अगर आर्थिक समृद्धि में वृद्धि होगी, तो रोजगार के नए नए सृजन होंगे, बेरोजगारी की समस्या का समाधान होगा, उपभोक्तावाद से अवसंरचनाओं का निर्माण होता है, उपभोक्तावाद वैश्विक मंदी के खतरे को कम करने में सहायक होता है। तो इसके कुछ सकारात्मक पक्ष भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो हमें आखिर अपने इसका मूल्यांकन, इसकी समीक्षा करते हुए क्या आंसर देना है, तो आप लोगों को बोलना है उपभोग
उपभोग मूल उपभोग मूल्य अर्थात जरूरी एवं गैर जरूरी उपभोग को समझते हुए किया जाना चाहिए। यानी कि उपभोग है उसको हमें समझदारी के साथ में हमें उसका उपभोग करना चाहिए। हमें ध्यान में रखना चाहिए क्या हमारे उपभोग में गैर अनिवार्य है और कौन सा हमारे लिए बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही जरूरी है। तो गैर अनिवार्य जो होता है उसको हमें क्या करना चाहिए, उससे हमें अवॉइड करना चाहिए, उससे हमें बचना चाहिए। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। उपभोग किया जाना चाहिए। आधुनिक तड़क भड़क वाली जीवन शैली की बजाय सरल जीवन शैली को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। हमें सतत विकास की रणनीति अपनाते हुए उपभोग करना चाहिए। हमें गांधी जी के उस कथन का ध्यान रखना चाहिए कि पृथ्वी के समग्र संसाधन हमारे सभी मनुष्यों की जरूरतें पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं, लेकिन एक लालची व्यक्ति की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कम पड़ जाएंगे। मतलब एक लालची व्यक्ति की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हमारी पृथ्वी पर जितने भी संसाधन है वो कम पड़ जाएंगे, लेकिन अगर हम इनका उपभोग सही तरीके से करें तो हमारे समग्र मनुष्य हैं, सभी मनुष्य हैं, उनकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पृथ्वी पर जितने संसाधन हैं वो पर्याप्त हैं। तो यहाँ पर ही आज आज का आप लोगों का लेक्चर है वो फिनिश होता है। अगर आप लोगों को लेक्चर ही पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह से हमारे क्लब को प्यार देते रहें। जैसे ही एसके सर के द्वारा वो हिस्ट्री फिनिश कर दी जाएगी, आर्ट एंड कल्चर हमारे द्वारा इस बार हम लोगों को पढ़ाया जाएगा। ओके, चलिए हम लेक्चर को यहाँ पर ही फिनिश करते हैं।